इवनिंग फ्रेंड्स, इंडियन ब्लॉगर अदि चैनल का आप सभी को स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं अभी आ गई हूँ ओम का स्टडी रूम में। इधर ना मैंने कपड़ा डाल के रखी थी, कल से कपड़ा डाला हुआ था। मम्मी जी का साड़ी वगैरह है और उधर मेरा ड्रेस है, वो सूख भी गया है, अभी निकाल देती हूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया है। ओम का सार जो ट्यूशन सार वो आ रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, मतलब इसलिए ये भी कपड़ा सूख गया है, अभी निकाल देती हूँ क्योंकि ये रूम ऐसे भी खाली रहता है। मम्मी जी जब रहते थे तो वो सोते थे और ओम पढ़ाई करता है बस, और मम्मी जी अभी नहीं है, रूम खाली है, कपड़ा कहाँ सुखाऊँ, इसलिए इधर डाल देती हूँ मैंने। और आप लोगों को तो पता है ओडिशा में 2-3 दिन से ऊपर हो गया है, कितना जोर से बारिश हो रहा है। और आज सुबह सुबह ना मेरा जो मंगलसूत्र का धागा जो है वो टूट गया, तो मैं सोच रही हूँ उसका लॉक जहाँ है ना उसी से वो धागा काट देती हूँ, बस अभी काम चल जाएगा। तो खाली खाली लग रहा है ना गला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे ही अभी ना पहले मैं ये जो कपड़ा वगैरह उसको निकाल देती हूँ क्योंकि सार आने में अभी 10 मिनट बाकी। कपबोर्ड के अंदर रख देती हूँ, उनका कपबोर्ड अलग है, और दिखाती हूँ उनका साड़ी में कैसे रखी हूँ। बोली बाबा इधर सब मम्मी जी का साड़ी है, ये देखिए, ये रहा मेरा मंगलसूत्र और इसी का धागा टूटा हुआ है, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ इसका जो लॉक है ना इधर से काट देती हूँ, इधर से ना, इधर से काट देने से मेरा अभी काम जो है वो चल जाएगा, और खाली भी गला अच्छा नहीं लगता है ना। ये हो गया अभी मेरा रेडी। तो इधर से भी एक धागा है ना निकला हुआ है, तो इसको भी जॉय आके ना कैमरा ऑफ कर रहा है मेरा। बस ये अभी रेडी हो गया मेरा, उधर रखो बाबा, रख देते हैं हम। खाली गला ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खाली खाली लगता है ना, तो ये हो गया, आप मत करो। का सब्जी बना रही हूँ ना, इसीलिए पत्ता गोभी को काट के अच्छे से धुला दिया हूँ। तो अभी ना एक प्लेट हम ढक लेते हैं, और इधर जो सब्जी का छिलका वगैरह है उसको पहले उठा लेती हूँ, फिर मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो थोड़ा बहुत कपड़ा है, मैं ना इधर जो मेरा मच्छरदानी का स्टैंड है उधर डाल दे रही हूँ। अभी तो न्यूज़ भी दे रहा है 4-5 दिन ना ऐसे ही बारिश होगा। कढ़ाई भी गर्म हो गया है, इधर जो है ये है चूड़ा को मुझे फ्राई करना है, तो इसको हम उड़िया में चूड़ा बोलते हैं। तो इसको ना मैं सिर्फ ड्राई रोस्ट करूँगी, फ्राई मतलब ऑयल वगैरह डाल के फ्राई नहीं करना है मुझे, मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। क्योंकि एक ना सत्तू का पैकेट मैंने लाई थी, रेडीमेड था, तो बहुत टेस्टी लग रहा था, तो मैंने सोचा ना ये जो मतलब पोहा है उसको ड्राई रोस्ट करके फिर मतलब अच्छा से उसको मिक्सी में पाउडर बना के उसके साथ मिला दूँगी, तब वो अच्छा रहेगा। और मैं ना सत्तू घर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा जो मिक्सी है बहुत पुराना है, और इसीलिए डर के ना मैं नहीं बना रही हूँ। एक बार ख़राब हो गया था मिक्सी, जब मैंने नया मिक्सी लाऊंगी तब जाके ये सत्तू वगैरह अच्छे से पीसूंगी। और ये जो हम लोग उड़िया में ना इसको चूड़ा बोलते हैं पोहा को। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, पहले मैंने ना इसको डाल देती हूँ, फिर आप लोग के साथ बात कर रही हूँ। तो मिक्सी की वजह से ना मैं सत्तू जो है वो नहीं बना रही हूँ, फिर ख़राब हो जाएगा तो मुझे तकलीफ होगा, और इसके लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ये तो फर्श से ना मतलब मिक्सी में हो जाता है बस। अच्छा, जिसके घर पे होंगे ना उनका रोटी खाना कभी लेट नहीं होगा। हाँ बाबा, हाँ
हाँ रोटी बनाओ। और जो है ना कितना सारा रोटी मुझे बेल बेल के दिया है ये देखिए, और तवा भी मेरा गरम हो गया है। तो जय इधर बैठ के ना रोटी ले लिया है। मैं ना फटाफट फटाफट रोटी सब बेल के ऊपर मतलब उठा के ले आई, और इधर जय बैठ के खेल रहा है, उसी टाइम में मैं रोटी बना दूँ फिर, नहीं तो फिर ना सब गुलिया लेके ऐसे ही नीचे फेंकेगा। बाबा आप रोटी बना रहे हो? ऊपर देख के बोलो। हाँ रोटी बना रहे हो? अच्छा बनाओ फिर। हाँ आराम से बैठ बैठ के बनाओ रोटी। तो इसीलिए ना मेरा जो रोटी है वो पूरा जो इंडिया का मैप ऐसे ही रोटी हुआ है मेरा। ये आ गया, शाम का 7 बज रहा है ये देखिए। उसका कागज से बैठ के खेल रहा है ऐसे ही ना, जैसे ओम का कॉपी खत्म हो जाता है तो जय को दे देने से वो ऐसे ना थोड़ा थोड़ा फाड़ के बोतल के अंदर घुसा के वो खेलता रहता है। तो मैं अभी जाती हूँ जय को पानी पिला, कवर बंद करने के लिए ना भूल गई। और गई थी जो सब्जी ये हो गया अभी हमारा साफ। इसके अंदर में जो एक एक बीज रह जाता है ना, मैं क्या करती हूँ पता है, इसको अच्छे से धुला के फिर इसका पानी ऐसे करके निकाल देने से निकल जाता है। और अंदर में थोड़ा सा नमक भी मैं लगा दिया हूँ। और ये ना मैं एक न्यू स्टाइल में बना रही हूँ जो कि सॉरी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी चलिए हम जो बेसन का उसका जो बैटर वो रेडी कर लेते हैं। अभी ना हम इसमें पास्ता पिज्जा सॉस जो है हाथ में लेके ना थोड़ा थोड़ा अंदर में ऐसे, उसमें तो कोई स्टॉपिंग वगैरह नहीं देना है, हाथ में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगाना है। ये मेरा खुद का डिश है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये ना मैं बहुत बार बनाई हूँ और सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रुकिए मैं थोड़ा सा ना स्पून भी ले आती हूँ, क्योंकि पूरा मतलब हाथ डालने से ना ये सॉस खराब हो जाएगा, तो इसीलिए ये देखिए। और ज़्यादा डालोगे ना ये खट्टा लगेगा, इस वजह से हल्का हल्का सा बस डाल देना है, और हाथ में पूरा स्प्रेड करके लगाने से ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बाद में ना इसमें हम स्टफिंग देंगे, और क्या स्टफिंग दूंगी आप लोग देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। से काट के लिए हूँ
तो सेब भी ना आप कुछ भी सेब दे सकते हो। तो तेल भी जैसे हल्का सा बस गरम हो जाए तब हम आलू को जो है ना फ्राई करेंगे, आलू अलग सा फ्राई करेंगे, देन पत्ता गोभी भी अलग सा फ्राई करेंगे। तो इसी में ना उसी का जो टेस्ट है वो मतलब बहुत ज़्यादा से आ जाता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। तो अलग अलग फ्राई करके बनाने से ना, ऐसे फूलगोभी जैसे बनाते हैं ना ऐसे ही बास बनाएंगे इसको। आलू में मैं नमक और हल्दी डाल दिया हूँ, देन हमारा ये जो पोहा ना ये ठंडा हो गया है, तो इसमें अभी हम मिक्सी में डाल देते हैं। पूरा तो मैं मिक्सी में नहीं डालूंगी, थोड़ा सा रखूंगी क्योंकि मेरा जो मुरमुरा है ना वो ख़त्म हो गया है। तो मैं थोड़ा सा जो मुरमुरा चाय के साथ खाती हूँ, तो अभी तो मुरमुरा नहीं है तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो जितना चाहिए उतना ही लूंगी, बस इतना ही रख लेती हूँ। इसका हल्का हल्का चेंज हो गया है। बस आलू ना देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इतना ही चाहिए हम लोग को। अभी इसको निकालते हैं। जो पत्ता गोभी है उसको भी हम तेल में ना फ्राई कर लेंगे। हल्की सी जीरा, कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखिए, आलू और जो पत्ता गोभी है कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जितना अच्छा लगेगा उतना ही टेस्टी लगेगा। अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, जीरा भी अच्छा से मेरा जो चटक गया है। अभी हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, प्याज का पेस्ट, उसको डालेंगे। लेकिन मैं ना पहले ये ट्राइपॉड में लगाती हूँ मोबाइल को। कभी का सब्जी में ना थोड़ा ज़्यादा सा मसाला जाएगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके मसाला ना वो डाल रही हूँ। टमाटर और हमारा जो बेसिक मसाला है वही है, बस नमक हल्दी मिर्ची पाउडर मैं बाद में डालूंगी क्योंकि जॉय के लिए आप लोग को पता है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस इतना ही हमारा बेसिक मसाला होता है। तो ये सब मैं डाल दे रही हूँ अभी। ये रहा हमारा कोरिएंडर पाउडर, जो धनिया पाउडर है वही है। मसाला हमारा फ्राई हो रहा है तो इधर खड़े होके कोई फायदा नहीं है, तो उसी के बीच में ना हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो जो बर्तन वगैरह है ना उसी को सेट कर लेते हैं, ये सही रहेगा। ये भी बेलना वगैरह में धुला लिया था तो इसको भी अलग रख लेते अभी, क्योंकि काल ना जय रोटी बना रहा था, मतलब इतना हालत इसका खराब कर रखा था ना, बाप रे बाप, मुझे तो देख के इसको डर लगने लग गया। मतलब ऐसे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, आप ना इसको कहाँ पे पकड़ोगे, ऐसे ही हालत बना के रखा था इसको। तो ये हो गया वगैरह जो है। बिस्किट आ रहा था उसी के साथ ना ये कटोरी फ्री दे रहा था, मैं भूल गई हूँ। मतलब 2-4 साल का पहले का कटोरी है, मतलब मल्टी कलर का ये जो बॉल है ना वो आ रहा था। तेल हमारा सेपरेट हो गया है अभी। तो इसी टाइम में हम जो पत्ता गोभी आलू फ्राई करके रखे थे उसी को डालेंगे। पानी डालना नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। और देखिए इसमें कितना सारा पानी निकल रहा है। सब्जी हो गया मेरा डन। तो अभी ना मैं जॉय के लिए निकाल लूंगी, देन हमारा जो चिली पाउडर वो मिक्स करूंगी। फिर भी देखिए बगैर चिली पाउडर में भी कलर कितना अच्छा आया है ये देखिए। तो अभी जॉय के लिए निकालते। रात का डिनर हमारा हो चुका है और देखिए मैंने जो किचन ना उसको भी क्लीनिंग कर लिया, बर्तन वगैरह हो गया है। सिर्फ मेरा जो सिंक एरिया है उसको साफ करना है क्योंकि दूध वाला भैया ना वो लेट में आते, इस वजह से मैंने मतलब बच्चे लोग को दूध देने के बाद जाके
सिंकेरिया धुलाती हूँ, क्योंकि ग्लास वगैरह रहता है, दूध का बर्तन भी रह जाता है, फिर उसको धुलाने के बाद जाके मेरा जो सिंक है उसको साफ करती हूँ।